गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप शर्मा अपने यूट्यूब चैनल विजय लक्ष्मी एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं, जिसका प्राइम फोकस है प्योर टीचिंग, नथिंग एल्स। स्टूडेंट्स, जैसा कि यूपीएससी के द्वारा ईपीएफओ का जो एग्ज़ाम निर्धारित किया गया है, ईपीएफओ का एग्ज़ाम निर्धारित किया गया है, कोरोना महामारी की वजह से मे भी हो सकता है एक्सटेंड हो, लेकिन अक्टूबर तक जो निर्धारित किया गया उसको मानते हुए जो उसके सिलेबस में एक आपसे एक सिलेबस में एक मेन पार्ट है वो सोशल सिक्योरिटी है या सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी या सामाजिक सुरक्षा। तो ये चैप्टर, पहली बात तो ये कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा इसको समझिएगा, इसको स्किप मत करिएगा अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको, सबसे पहले विजय लक्ष्मी एकेडमी यूट्यूब चैनल आपसे कुछ अपील कर रही है। लॉकडाउन से आप घर से बाहर ना निकलें, सरकार के सभी दिशा निर्देशों का पालन करें, किसी तरह की लापरवाही ना बरतें। लॉकडाउन ही कोरोना संक्रमण से बचने का एकमात्र विकल्प है। अफवाहों से बचें और दूसरों को भी बचाएं। आप एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाएं, यही राष्ट्रधर्म, राष्ट्र सेवा और राष्ट्रीय कर्तव्य है। चलिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम सोशल सिक्योरिटी या सामाजिक सुरक्षा दरअसल होता क्या है उसके बारे में हम आपको एक नॉलेज देंगे, और बहुत अच्छा प्रैक्टिकल एग्जांपल तो मैं कहूँगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो में अभी जो चल रहा है कोरोना, कोरोना के समय जो भी सरकार मेजरमेंट ले रही है वो सोशल सिक्योरिटी में आएगा। तो लेकिन ये तो अभी की प्रेजेंट की बात हो गई, लेकिन अगर हम बहुत इसको पहले इसके कॉन्सेप्ट समझेंगे, ये क्यों लागू किया गया, क्यों ज़रूरी है दुनिया के लिए, विश्व के लिए, देश के लिए, उसके लिए क्या क्या प्रयोजन हुए, ये तो पहला भाग है। और भी कई मैं इसी भाग पे पूरा बनाऊंगा सोशल सिक्योरिटी पे वीडियोस, लेकिन पहले भाग में हम समझने की कोशिश करते हैं कि सोशल सिक्योरिटी जो ये टर्म आया है ये है क्या, इसको चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी हैज़ इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इन द प्रिमिटिव सोसाइटी इट वॉज मैनकाइंड स्ट्रगल अगेंस्ट इनसिक्योरिटी टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द वैगारीज ऑफ नेचर ऑफ फाइंडिंग द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ डे टू डे लाइफ। लेटर कम्युनिटी लिविंग केम इन टू एग्जिस्टेंस वेयर ब्रॉड द फैमिली टू प्रोवाइड एडिक्वेट सोशल मेजर्स फॉर द नीडी। कहने का तात्पर्य ये है कि आदिम समय में भी जब मैनकाइंड स्ट्रगल करते थे एक दूसरे से, तो वो अपने लिए कहीं ना कहीं पे वो असंतुष्ट रहते थे कि अपने को, अपनी जीवन की व्यक्ता को लेके कि हम कितना जी सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे पास बुद्धि आती गई, विवेक आता गया, जब हमने अपनी सोसाइटी का निर्माण किया, कम्युनिटी बनना स्टार्ट हुई, तब हम अपनी फैमिलीज के बारे में सिक्योर होना या सोचने लगे कि यार अगर मान लीजिए कि किसी की डेथ हो जाती तो उसके फैमिली को उसके बाद क्या होगा, यहीं से कॉन्सेप्ट एक तरह से स्टार्ट होने लगा सोशल सिक्योरिटी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन देयर वॉज ब्रेकअप ऑफ फैमिली सेटअप डिस्ट्रक्चरिंग द ट्रेडिशनल सिस्टम रिजल्टिंग इट नीड फॉर institutionalized and state cum society regulated social security arrangements. Therefore, the concept of social security kept evolving and winding as there is no commonly accepted definition of the term. कहने का तात्पर्य ये है स्टूडेंट्स कि रैपिड बहुत ज़्यादा आधुनिकीकरण की वजह से अब हमारी जो फैमिलीज हैं वो एक तरह से न्यूक्लियर फैमिली होने लगी। जो पहले हम लोग एक परिवार की तरह रहते थे, उस तरह रह के हम एक तरह से हमारी न्यूक्लियर फैमिली होने लगी, और सोशल सिक्योरिटी का मेजरमेंट का आइडिया, सोशल सिक्योरिटी की ज़रूरत इसी समय पड़ने लगी, क्योंकि कब किसी व्यक्ति को क्या हो जाए, इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं आगे, इकोनॉमिकल ग्रोथ हो रही है, लेकिन उस ग्रोथ में हमारे कुछ ना कुछ हमको देना पड़ रहा है, इससे रिस्क हो रहा है, पर्यावरण को देना पड़ रहा है, उससे हमारी सिक्योरिटी कैसी होगी। यहाँ से आपका सोशल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट या सामाजिक सुरक्षा का कॉन्सेप्ट आने लगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। All the industrial countries of the world have developed concept क्या है, measures to promote the economic security and welfare of individual and his families. These measures have came into be called as social security. Social security is dynamic concept as an indispensable
चैप्टर ऑफ अ नेशन प्रोग्राम टू स्ट्राइक एट द रूट ऑफ पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिजीजेस। कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा, जैसे जैसे सामाजिक एक तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ना स्टार्ट हुआ ये कि अब लोग अपनी फैमिलीज के बारे में सोचने लगे कि एक तरीके से कि अगर हम काम कर रहे हैं, कोई भी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन हमारे ना रहने पे या हमारे अनुपस्थिति में हमारी फैमिली का क्या होगा, इसको देखते हुए अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, मान लीजिए कोई दुर्घटना हो जाए, किसी तरह की हम किसी तरह से किसी दुर्घटनाग्रस्त हो गए, कोई बीमारी हमको लग गई, उसमें हम क्या करेंगे, क्या करना पड़ेगा, वही सोशल सिक्योरिटी के तहत आता है। जैसे अभी आप देख लीजिए कोरोना का जिस तरह से महामारी चल रही है, सरकार ने जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए और जो हेल्थ जो काम कर रहे हैं हेल्थ वर्कर्स हैं उनके लिए 50 लाख का बीमा करवा दिया है। दैट इज़ द सोशल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोशल सिक्योरिटी में प्रोवाइडेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पर्सन हु बिकेम इनकेपेबल ऑफ वर्किंग बाय रीजंस ऑफ ओल्ड एज, सिकनेस एंड इनवैलिडिटी एंड और अनेबल टू अर्न एनीथिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। इट इज़ नेसेसरी टू एनालाइज वेरियस डेफिनेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटीज इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट द नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी। कहने का तात्पर्य यही है स्टूडेंट्स कि सोशल सिक्योरिटी का सीधा मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है और अचानक ओल्ड एज की वजह से, सिकनेस की वजह से, काम ना कर पाने की वजह से कोई उसको प्रॉब्लम हो गई है, उसकी दैनिक जीवन की चीज़ें चलती रहें, कैसे चलती रहें, किस प्रकार चलती रहें, वही सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत आता है, सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एनालिसिस ऑफ वेरियस डेफिनेशंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी। जब हम सोशल सिक्योरिटी की स्टूडेंट्स बात करते हैं तो एक व्यक्ति का नाम सबसे पहले आता है। अगर हम बात करें सोशल सिक्योरिटी की तो एक व्यक्ति का नाम अगर देखा जाए तो इनका नाम बहुत बार आता है। इन 1942 सर विलियम ब्रिविजेट हेडेड अ कमेटी दैट रिव्यूड द नेशनल स्कीम्स ऑफ सोशल इंश्योरेंस इन ग्रेट ब्रिटेन ड्यूरिंग द पोस्ट वॉर पीरियड। In his report, he defines social security as follows: the security of an income to take place of the earning when they are interrupted by unemployment, by sickness or accident, to provide for retirement through age, to provide against the loss of support by the death of another person and meet exceptional expenditure such as those connected with birth, death एंड मैरिज। कहने का मतलब ये है कि अगर इन्होंने अपनी थ्योरी में ये बताया कि अगर हम सिक्योरिटी की बात करें, सोशल सिक्योरिटी की, तो अगर किसी व्यक्ति की मान लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट से या किसी वजह से एक्सीडेंट हो गया और किसी रोग की वजह से या वो रिटायर हो रहा, उसकी वजह से अब उसकी फैमिली को कैसे आगे देखा जाए कि उसको हम एक सम्मानजनक निधि दें, वो सोशल आपके किस में आ रहा है, सोशल आपके सोशल एक तरह से वेलफेयर में आ रहा है। इसके बाद द ब्रिविजेट रिपोर्ट आर्गुड दैट दे वेयर 5 जाइंट्स दैट वेयर स्टॉकिंग द लैंड एंड दे एंड दैट शुड बी टैकल्ड। दे आर वॉन्ट डिजीज, इग्नोरेंस, स्क्वैलर एंड आइडलनेस। इसका सीधा मतलब है ब्रिविज ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ऐसे 5 महामारियां हैं जो एक तरह से महामारियां हैं जो अगर जिनको रोकना बहुत एक तरह से ज़रूरी है, संभव है, जिसकी वजह से सोशल सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले वांट का सीधा मतलब होता है आपकी मांग, डिजीज़ का मतलब है आपके रोग, इग्नोरेंस का मतलब है उपेक्षित करना, किसी चीज़ को छोड़ देना, स्क्वैलर का मतलब होता है गंदगी, एंड आइडलनेस का मतलब होता है कि सुस्त पड़े रहना। यानी अगर हम सोशल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो ये सबसे बड़े एक तरीके से जो ये 5 आपके आपके जो मांग, रोग, इग्नोरेंस का मतलब होता है उपेक्षित करना, स्क्वैलर का मतलब होता है गंदगी और आइडलनेस का मतलब होता है सुस्ती, सुस्तपन। तो ये 5 एक तरीके से जायंट्स स्लॉकिंस हैं जो दुनिया को तबाह करने पे
लगे हुए हैं और इनसे हमें क्या करना है, टैकल करना है, और इसी के लिए सोशल सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर विलियम बेरेजन ने फिर बताया, सर विलियम इज रिपोर्ट इज सीन एज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द करेंट सोशल सिक्योरिटी सिस्टम एज ही हैज सजेस्टेड दैट सोशल सिक्योरिटी सिस्टम वुड प्ले अ रोल इन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी एंड प्रिवेंटिंग पॉवर्टी इन सोशल सिक्योरिटी इज इंटेंडेड टू फुलफिल द नीड टू एबॉलिश वॉन्ट बाई इंश्योरिंग दैट एवरी सिटीजन विलिंगनेस टू सर्व अकॉर्डिंग टू हिज पावर्स हैज एट ऑल टाइम एन इनकम सफिशियंट टू मीट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। विलियम ब्रिज ने साफ कहा कि भैया एक ऐसा सिस्टम बनाना है कि स्पेशली अगर जो सोसाइटी में अगर वो नहीं रहता है या अगर वो व्यक्ति के साथ कुछ हो जाता है तो उसकी जो फैमिलीज हैं हम उसको एक सुरक्षा, एक कवच दे सकें। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है, अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट वॉज मेड बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इन डिफाइनिंग सोशल सिक्योरिटी। दस उन्होंने क्या कहा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, द सिक्योरिटी दैट सोसाइटी फर्निश्ड थ्रू अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट सर्टन रिस्क टू विच इट्स मेम्बर्स आर एक्सपोज, दे रिस्क आर एसेंशली कंटिजेंसी अगेंस्ट विच द इंडिविजुअल्स ऑफ स्मॉल मीन्स कैन नॉट इफेक्टिवली प्रोवाइड बाई हिज ओन एबिलिटी और फॉरसाइट अलोन और इवन इन प्राइवेट कॉम्बिनेशन विथ फेलोज। दीज रिस्क हैज़ बीन सिकनेस, मैटर्निटी, इनवैलिडिटी, ओल्ड एज एंड डेथ। इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दो दीज कंटिजेंसीज दैट दे imperial the ability of the working man to support himself and his dependents in health and decency। iska seedha matlab ye hai ki world international labor organization ne seedha kaha ki jo special ek tarah ke risk hain unse protect karne ke liye samajik suraksha bahut zaruri hai। उसने क्या क्या डिफाइन किया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, सिकनेस का मतलब होता है कि अगर किसी रोग की वजह से, मैटर्निटी का मतलब होता है प्रसव के लिए, इनवैलिडिटी का मतलब होता है कि वो काम नहीं कर पा रहा है किसी वजह से, काम करने के उसमें डिजीज़ की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से काम नहीं कर पा रहा है, ओल्ड एज हो गई है, ओल्ड एज यानी वो व्यक्ति एक तरह से 60-70 साल से ऊपर का हो गया है, या उसकी डेथ हो गई है। तो कहने का मतलब है ऐसे चीज़ों पर उसके परिवार को हम क्या सामाजिक सुरक्षा दें, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इससे सोशल सिक्योरिटी को संबोधन किया। डेफिनेशन बाय फ्रेड लैंडर डिफाइन सोशल सिक्योरिटी इज अ प्रोग्राम ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइडिंग बाय द सोसाइटी अगेंस्ट दिस कंटिजेंसी ऑफ मॉडर्न लाइफ, सिकनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, डिपेंडेंसी, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट एंड इनवैलिडिज्म अगेंस्ट विच द इंडिविजुअल कैनॉट बी एक्सपेक्टेड टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फैमिली बाई हिज ओन एबिलिटी और फॉरसाइट। अकॉर्डिंग टू हिम द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी इज यूज टू डिस्क्राइब एज अ प्रोग्राम ऑफ प्रोटेक्शन टू एश्योर द जस्टिफाइड शेयर टू द वर्किंग क्लास बाय कवरिंग सर्टन रिस्क टू विच अ पर्सन इज एक्सपोज इन विच द रिस्क आर सच दैट एन इंडिविजुअल विथ मर्ज अर्निंग कैनॉट एफोर्ड। फ्रेड लैंडर ने अपनी थ्योरी में बताया कि भैया सोशल सिक्योरिटी का सीधा मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति सिक यानी अगर वो उसको कोई रोग से ग्रसित हो गया है, एक तरह से अनएम्प्लॉयड है यानी बेरोजगार है, ओल्ड एज यानी उसकी वृद्धावस्था हो सकी, ये किसी पे डिपेंड्स है, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट किसी तरह का एक्सीडेंट हो गया है, इनवैलिडिज्म का सीधा मतलब ये होता है कि एक समय सीमा के बाद वो ख़त्म हो चुका है, मतलब इनवैलिडिज्म हो गया, इनवैलिड हो गया है, काम नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में उस व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती है। और अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल सिक्योरिटीज देखते हैं स्टूडेंट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उसकी क्या, उसका कैसे हम पहचानेंगे कि वो सोशल सिक्योरिटी है। द पर्पस ऑफ एनी सोशल सिक्योरिटी मेजर इज टू प्रोवाइड इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज द कॉन्फिडेंस दैट देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल नॉट बी इरोड
By meeting with such socio-economic contingency in their life, the concept of social security varied from country to country. कहने का मतलब है सीधा है characteristics में ये है कि social security का measure country to country vary करता है कि अगर कोई risk होता है अगर family को अगर किसी तरह की family में किसी तरह का जैसे sickness हो गया कई तरह का बताया अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपना theories दिए sickness हो गया है industrial accident हो गया है old age हो गई है तो उस जो फैमिली जिस हिसाब से कोई प्रॉब्लम आ गई है तब भी प्रॉब्लम के आने के बाद भी वो अपना मिनिमम जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो मेंटेन कर सके ऐसी राशि दी जाए दैट इज कॉल्ड आपका सोशल ऐसी सुविधा दी जाए ऐसा है आपका सोशल सिक्योरिटी मेजर. चलिए द नीड फॉर इकोनॉमिक प्रोटेक्शन इज यूनिवर्सल and hence social security measures have been three major characteristics even though they vary from country to country and from time to time according to the need of the people and country's resources they are as follows. कहने का मतलब है कि country to country social security measures क्योंकि वहाँ के resources सब countries के एक तरह से तो होते नहीं हैं तो उनके social security measures भी क्या होते हैं अलग अलग होते हैं. अगर हम compare करें हम अगर अपने India और USA का तो social security measures में बहुत ज़्यादा difference है. तो चलिए देखते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में मेजर क्या-क्या हैं. पहला है सोशल सिक्योरिटी मेजर्स आर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. कहने का मतलब है कि सोशल सिक्योर सामाजिक सुरक्षा का मेजर्स जो भी उसके मेजर्स होंगे वो प्रॉपर कानून के द्वारा बने होना चाहिए पहला. दूसरा दे प्रोवाइड कैश बेनिफिट टू रिप्लेस एटलीस्ट अ पार्ट ऑफ इनकम इन मीटिंग कंटिजेंसी सच एज अनएम्प्लॉयमेंट मैटरनिटी अनएम्प्लॉयमेंट इंजरी सिकनेस ओल्ड एज एटसेट्रा. और उनको दूसरा उन्होंने बताया कि दूसरी चीज़ ये होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं से कैश बेनिफिट मिलना एक तरीके से कैश बेनिफिट ज़रूरी है. अगर कोई कंटिजेंसी हो जाती है जैसे मैटरनिटी के लिए प्रसव के लिए एम्प्लॉयमेंट अगर रोज़गार बेरोज़गार हो जाता है कोई एम्प्लॉयमेंट इंजरी हो जाती है काम करते वक्त तबीयत खराब हो जाती है ओल्ड एज अगर आपकी हो जाती है उसकी वजह से. दीज बेनिफिट्स आर प्रोवाइडेड इन थ्री मेजर वे सच एज सोशल असिस्टेंट सोशल इंश्योरेंस एंड पब्लिक सर्विस. तो अब ये बेनिफिट अगर कुछ ऐसी कंटिजेंसी हो जाती है तो वो तीन तरह से इंपॉर्टेंटली किए जाते हैं. वो कौन कौन से हैं सोशल असिस्टेंट है सोशल इंश्योरेंस है पब्लिक सर्विस है. ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं अगर कोई कंटिजेंसी आती है. तीसरा पार्ट है ये द मोस्ट वेल नोन टेक्निक्स अडॉप्टेड बाय सोशल सिक्योरिटी एट प्रेजेंट आर नो डाउट सोशल असिस्टेंट एंड सोशल इंश्योरेंस विच आर डिस्कस्ड इन पार्ट टू. यानी मेरे अगले वीडियो में जिसके जो टेक्निक हैं आपकी सोशल क्या कहते हैं आपकी वेलफेयर की उसके बारे में हम आपको सोशल सिक्योरिटी की वो हम अगले आपको वीडियो में बताएंगे जिसमें सोशल इंश्योरेंस और सोशल आपका सोशल इंश्योरेंस और सोशल असिस्टेंट इनमें क्या डिफरेंस होता है ये अगले हम आपको वीडियो में बताएंगे. टिल देन घर में रहिए आराम से रहिए और प्लीज़ सुरक्षित रहिए. थैंक यू.